निवेदन कर दूं। बहुत लोग इस मंत्र में एक अक्षर अपनी तरफ से और जोड़ देते हैं। मैं कई लोगों को सुनता हूं जाप करते हुए, कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, अच्छी बात करनी चाहिए। कई लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ते रहते हैं, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। निवेदन कर दूं, कभी भी भूल करके इस मंत्र में नमः शब्द प्रयोग नहीं करना। बहुतों की आदत होती है, बहुत लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलेंगे, ये नमः पीछे नहीं बोलना चाहिए। यदि बोलते होंगे ना तो अब से बोलना बंद करना। मंत्र करते समय कभी भी पीछे मंत्र में नमः नहीं बोला जाता, इतना ही पूरा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र है। और वासुदेवाय के बाद आपने फिर नमः बोल दिया तो 14 अक्षर हो जाएगा, फिर मंत्र का रस नहीं रहेगा। मंत्रों की बड़ी सिद्धि है हमारे यहां, इसलिए मंत्र को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, इसलिए मंत्र को सोच करके बोलना चाहिए, कभी भी मंत्र उल्टे नहीं बोलना। और सुनो, कभी भी मंत्र अशुद्ध मत बोलना। हाँ, एक अक्षर भी गलत हुआ ना तो सत्य समझना, अर्थ के अनर्थ हो जाए। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, इसी कलयुग की, इसी धरती की मुजफ्फरपुर नाम के नगर की घटना है। एक अग्रवाल परिवार में एक व्यापारी सेठ जी रहा करते थे, कपड़े का व्यापार उनका। बेटा लायक था लेकिन भक्ति भाव में बड़ा चूर था। बचपन से ही उस सेठ जी का बेटा इतना भक्ति भाव करने वाला, इतना भक्ति भाव करने वाला कि 4-6 घंटे तो पूजा पाठ करने में पूरा दिन निकाल देता था। हाँ, समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, पिता ने कहा कि अब लड़के को योग्य बना करके इसे भी व्यापार के क्षेत्र में उतारना होगा। सो व्यापार के क्षेत्र में उतार दिया। कुछ दिन बीता ही था, लड़का योग्य है जानकर शादी कर दी उन्होंने। शादी हुई, बढ़िया गृहस्थ चल रहा था। कुछ एक महीने ही बीते रहे होंगे, अचानक उनकी पत्नी मर गई, जो नई दुल्हन आई थी घर में। कुछ दिन बीता, वो नई दुल्हन मर गई। जैसे अब नौजवान लड़का है, अभी अभी शादी हुई है, पहली पत्नी तो मर गई। पिताजी ने सोचा अभी इनकी पूरी उम्र बची है, सो लड़का की दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी हो गई लड़के की। संयोग से कुछ दिन बीते थे,